हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे राजस्थान के पुष्कर में बनने वाले रबड़ी के मालपुए, जो देखने में दूसरे मालपुए जैसे ही लगते हैं पर खाने में बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। उनका स्वाद बहुत ही मज़ेदार होता है। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और हाँ, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया 1 किलो दूध। दूध उबला हुआ हो या कच्चा, पर लेना आपको फुल क्रीम दूध ही है। बस अब इस दूध को हमें उबालना है, और तब तक उबालना है कि ये आधा ना हो जाए, यानी कि इसे हमें 500 ग्राम तक रह जाए, इतना तक उबालना है। जब ये दूध इस तरीके से गाढ़ा और मलाईदार हो जाए तो बस आपको इसे पूरी तरीके से ठंडा करना है। जल्दी बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है, नहीं तो ये वो टेस्ट नहीं देगा आपको। चलिए चाशनी बना लेते हैं। अब यहाँ मैंने 250 ग्राम चीनी ली है, और साथ ही में मैंने उतना ही पानी ले लिया है, और हम चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक ये चिपचिपी नहीं हो जाए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है ताकि उसमें कलर बहुत अच्छा आ जाए। हमें बस इस चाशनी को उतना ही पकाना है ये चिपचिपी हो जाए, मतलब कि शहद जैसी लगे आपको। जैसे ही आप अपने हाथों में लें और इसको ऐसे करें तो आपको चिकना चिकना महसूस होगा, इसका मतलब है कि हमारी चाशनी पक गई है। चलिए इसको बंद करते हैं। अब हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है, तो अब बस हम अपनी रबड़ी में 100 ग्राम तक मैदा मिलाएंगे, वो भी धीरे धीरे करके। बस हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे। इसी तरह मैं सारे मैदे को मिलाती जा रही हूँ और अच्छे से कड़छी से घुमाती जा रही हूँ ताकि वो एक सार हो जाए। इसमें सिर्फ 100 ग्राम ही मैदा डाला, आप भी उतना ही डालें, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा। आप चाहे तो कम कर सकते हैं, 90 ग्राम डाल सकते हैं, पर 100 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। बस अब हमें इस रबड़ी और मैदे के मिक्स को इस तरीके की छाननी से छानना है। आप सोच रहे होंगे इसमें तो बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा, पर यकीन मानिए कुछ भी वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल अच्छे से छन जाता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गया, और हमारा कुछ भी नहीं बचेगा छानने में। तो देखिए हमारे रबड़ी के मालपुए का बैटर तैयार हो गया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप इसे तेल या घी किसी में भी बना सकते हैं, जालीदार बनेगा। यही फर्क है दूसरे मालपुए और इस मालपुए में। फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम रखना है और इसे सुनहरी होने तक दोनों तरफ से पकाना है। ऐसे हम धीरे धीरे सारे मालपुओं को पका लेंगे। बस अब मालपुओं को निकाल कर चाशनी में डालना है। चाशनी में भी इनको बहुत देर तक नहीं रखना है, बस 1 से 2 मिनट के बाद इसे निकाल लें। मालपुओं को चाशनी में रखे हुए 1 से